दो बहनों का गन्ना छिक्कल घर। अरे अरे देख, ये दोनों बहनें फिर से कूड़ा कबाड़ उठाने आ गई। वैसे ये इन निचड़े हुए गन्ने के छिक्कल का करती क्या है? अपने घर की तिजोरियों में रखती होंगी। वैसे भी इनकी गरीब तिजोरी में आभूषण वगैरह तो कहाँ मिलेंगे, ये गन्ने के छिक्कल ही भर रखे होंगे। अरे काहे को, इन छिक्कल में से ये बचा कुचा रस चूसती होंगी। इन्हें तो मैं तू इनकी बातों पर ध्यान मत दे, जितने मुंह उतनी बातें। ये कहावत नहीं सुनी है क्या तूने? लेकिन हमारे पास भी दो कान हैं, तो एक से सुन और दूसरे से निकाल दे। सही कहा। दोनों बहनों ने अपने सिर पर गन्ने के छिक्कल संभाले और अपने तंबू के बने घर के पीछे लाकर डाल दिए। जब धूप ठीक से निकलेगी तब हम इन्हें काम में लेंगे। सही कहा। अरे बेटिया आ गई? हाँ माँ, बोलिए, क्यों आवाज लगाई? कहाँ चली गई थी? वो माँ घर में पड़े पड़े सर दर्द कर रहा था, तो सोचा कि कुछ देर बाहर ही टहलाएं। अब अगर टहलना हो गया हो तो यहाँ आकर काम में मेरा हाथ बटाओ। तारा, तू पनघट से पानी लाकर बर्तनों को धो, और नीमा, तू मेरे साथ मिलकर रोटी बनवा। जी। तारा पनघट से पानी लेने चली गई और नीमा चूल्हा फूंक फूंक कर अपनी माँ के साथ रोटियां बनवाने लगी। अभी तारा पानी भर ही रही थी कि तभी, अरे अरे देख, ये तो वही है ना जो रोजाना उस ढाबे के पास वाली गन्ने की जूस की दुकान पर जाती है। हाँ, लेकिन ये वहां से छिलके क्यों बीनती है? क्या पता, लगता है इन दोनों बहनों का दिमाग। ज्यादा अपना दिमाग मत चलाओ, समझी? अगर मेरी जबान चल गई ना तो तुम्हारा दिमाग झेल नहीं पाएगा। क्या डायलॉग मारा है, रानी मुखर्जी लग रही हो। तुम्हें तो जाकर फिल्मों में काम करना चाहिए। अरे क्या बोल रही है, इसे कहाँ कोई फिल्म मिलेगी, ये तो गरीब है। हाँ हम गरीब हैं, लेकिन देखने की बात है कि सोच तुम्हारी छोटी है। बचपन से थाली में परोसकर हर खुशी मिली है ना तुम लोगों को, इसीलिए तुम मेरा ना दर्द समझ सकती हो और ना ही मकसद। इसीलिए अपने इस 2.5 ग्राम के दिमाग को जरा कम चलाओ। तारा ऐसे बोलती हुई पनघट से पानी लेकर आ गई और अपने घर के बाहर बैठकर बर्तनों को धोने लगी। ऐसे ही गरीबी में उन दोनों बहनों की जिंदगी कट रही थी। न सिर पर कोई पक्की छत थी और न ही जिंदगी में कोई और सुख सुविधा, लेकिन फिर भी वो दोनों बहनें अपने घर में जो मौजूद था उसी में खुशी खुशी रहती थी। ऐसे ही अगले दिन, आ जा तारा, 4 बज चुके हैं, चलते हैं। अरे कहाँ जाने की तैयारी है? कहीं नहीं बाबा, मैं और दीदी इस टाइम जरा टहलने को निकलते हैं। गांव में तुम दोनों के चर्चे हो रहे हैं। मैंने सुना है कि तुम दोनों गन्ने के जूस की दुकानों से छिक्कल बीनती हो, बोलो। वो बाबा, वो, अरे क्या मैं तुम्हें कमाकर 2 वक्त की रोटी नहीं देता हूँ? वो बात नहीं है बाबा, और आपने लोगों से जो भी सुना है उसे भूल जाइए। कैसे भूल जाऊँ, लोग मुझे रोक रोक कर ये बोलते हैं कि मैं गन्ने के छिक्कल बीनने वाली बहनों का बाप हूँ। क्या मुझे ये सब कुछ सुनने में अच्छा लगता है? अरे माना कि हम गरीब हैं, लेकिन मैं तुम्हें राजकुमारियों की तरह बिठा कर खिलाना चाहता हूँ, ना कि ऐसे जमाने से तुम्हें रुसवा होते देख सकना मुझे अच्छा लगता है। बाबा आपकी बेटियां गन्ने के छिक्कल बीनती तो हैं, लेकिन किसी मकसद से। अभी आप हमें डांट लो, लेकिन कल को जब अपनी आंखों से उन छिक्कल का कमाल आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे बोलकर दोनों बहनें वापस से गन्ने के जूस की दुकान के पास चली गईं, जहां अभी भी गन्नों का जूस निकल रहा था। अभी तो दुकान बंद नहीं हुई है। कोई नहीं, हम कुछ देर इंतजार करते हैं। तारा और नीमा ने वहीं खड़े रहकर लगभग 1 घंटे इंतजार किया। शाम को जब दुकान बंद हुई तब उन्होंने जूस निकले हुए गन्नों के छिक्कल बीनना शुरू कर दिया। थोड़े से छिक्कल यहाँ भी पड़े हुए हैं। अच्छा दीदी, मैं अभी बीनती हूँ। तारा जरा जल्दी कर, अब तो नदी किनारे वाली दुकान भी बंद हो गई होगी, वहाँ भी जाना है। दोनों बहनों ने जल्दी से जल्दी छिक्कल को बीना और फिर वो दूसरे गन्ने के रस की दुकान पर चली गई। अरे नहीं दीदी, यहाँ पर तो बंदरों ने हल्ला बोल रखा है, अब हम क्या करें? कितने सारे छिक्कल हैं, और अगर हम यहाँ से चले गए तो ये बंदर सब कुछ खराब कर देंगे। किसने बोला है जाने को? जाना तो इन बंदरों को होगा। अरे पागल क्या कर रही है, जानती है ये कितने खतरनाक हो सकते हैं, इनके पास मत जाना। अगर पास नहीं गए तो ये भागेंगे कैसे? मेरे पास एक आइडिया है, यहाँ पीछे जंगल में आ। आप क्या करने वाली हो? नीमा तारा को जंगल में ले गई, जहाँ जाकर उसने एक पतले से पेड़ को हिलाना शुरू कर दिया। इससे क्या होगा दीदी? बस देखती रहे,
तारा तू यहाँ रखे हुए पत्थरों को जोर जोर से पटक। ठीक है। तारा जोर जोर से पत्थरों को जमीन पर और दूसरे पत्थरों पर मारने लगी। पेड़ को हिलता देख और पत्थरों की सन्नाटे में भयानक आवाज से बंदर डर गए और वहां से भाग गए। अरे वाह दी, ये सभी तो भाग गए, लेकिन कैसे? तुझे समझ नहीं आया बुद्धू? बंदरों को इस शोर से लगा कि कोई बड़ा जंगली जानवर आ रहा है, इसीलिए वो भाग गए। वाह दीदी, तुसी ग्रेट हो। अब जल्दी से छिक्कल बीन ले, कभी फिर बंदर ना आ जाए। दोनों बहनों ने जल्दी जल्दी छिक्कल को बीना और वो अपने घर लौट आई। ऐसे ही सिलसिला जारी था। दोनों बहनें रोजाना ही कट्टे भर भर कर गन्ने के छिक्कल बीन कर लाती थी। माँ, हम दोनों काम से जा रहे हैं। अच्छा ठीक है। लगभग एक महीने छिक्कल बीनने के बाद अब उनके घर के पीछे गन्ने के छिक्कलों का ढेर लग चुका था। काफी छिक्कल इकट्ठा हो गए। चलो दीदी, इन्हें सुखाने के लिए कहीं लेकर चलते हैं। ठीक है, इन्हें फैला कर हम और छिक्कल लेने चले जाएंगे। दोनों बहनों ने वैसा ही किया। वो एक खाली मैदान में जहाँ कोई नहीं आता था वहाँ अपने छिक्कल फैला कर चली गई और दुकान के बंद होने पर और छिक्कल इकट्ठा कर लाई। अब इन्हें भी फैला। अरे क्या हो गया दीदी, हमारे फैलाए हुए छिक्कल कौन ले गया? उन दोनों ने जब वापस आकर देखा तो उनके छिक्कल वहाँ नहीं थे। क्या यहाँ कोई आया था? पता नहीं। अरे दीदी, इस एरिया में तो कूड़ा बीनने वाले लोग रहते हैं, कहीं उन्होंने ही तो हमारे छिक्कल नहीं बीन लिए। क्या तारा, तूने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? वो दीदी, दोनों बहनें उदास हो गई क्योंकि उनके पूरे एक महीने की मेहनत बेकार हो गई थी। दीदी ऐसे उदास मत हो, इसी उतार चढ़ाव का नाम ही तो जिंदगी है। हमने कितने सपने बनाए थे, उनकी खातिर दोबारा हिम्मत लाओ। हम फिर से छिक्कल को इकट्ठा करेंगे और देखना, इस बार हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। तारा में अभी भी हिम्मत थी लेकिन नीमा उदास हो गई थी। मैं नहीं जानती, अब मैंने हार मान ली है दीदी, ये मेरी गलती की वजह से हुआ है ना, तो अब इसकी भरपाई भी मैं ही करूंगी। नीमा उदास होकर घर चली गई लेकिन तारा घर नहीं आई। उसने गांव में और गन्ने के रस की दुकानों को ढूंढा और फिर से छिक्कल को बीनना शुरू कर दिया। दो चार दिन तो तारा अकेले ही गई लेकिन फिर उसे देखकर नीमा में भी हिम्मत आ गई। माँ मैं टहलने जा रही हूँ। मैं भी साथ चलूंगी। दीदी कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। दीदी अब चल। फिर से दोनों बहनों ने छिक्कल को बीनना शुरू कर दिया और लगभग दो महीने बीतने के बाद उन्होंने अपने ढेर सारे छिक्कल को धूप में सुखा दिया। अरे वाह, ये तो एकदम खुश हो गए। चल तारा, अब हम काम शुरू करते हैं। ये इतने गन्ने के छिक्कल कहाँ से आए और तुम इनसे क्या करने वाली हो? बस देखती रहो माँ। नीमा और तारा ने मिलकर उन छिक्कल से एक घर बनाना शुरू किया। उन्होंने अपने ही तंबू पर उन छिक्कल को चिपकाया और थोड़ी और लकड़ियां लाकर उसे मजबूती दी। दीदी दीवारें तो हो गई, अब बस छत बाकी है। सही कहा, चल जल्दी से इस लकड़ी से इन छिक्कलों को बांधकर छप्पर भी बना देते हैं। दोनों बहनों ने छिक्कलों से घर बनाकर तैयार कर दिया। उनके पास अभी भी काफी छिक्कल बच गए थे इसलिए उन्होंने उनसे एक सोफा सेट, एक बेड वगैरह भी बना दिया। उनके इस अनोखे घर को देखकर जो लोग उनका मजाक बनाते थे उनके जबड़े जमीन में जा मिले थे। अरे जरा देख तो सही, हमारी तो सोच भी वहां तक नहीं पहुंची जो चीज इन दोनों बहनों ने बनाकर खड़ी कर दी। अरे गोकुल भाई, तुम्हारी बेटियां तो बड़ी होनहार हैं। बाहर अब अपनी बेटियों के काम की तारीफ सुनकर गोकुल की भी छाती चौड़ी हो रही थी। वाह मेरी बच्चियों, आज तुमने गर्व से मेरा सिर ऊंचा करवा दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। बोलो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? आपको कुछ लाने की जरूरत नहीं है, हमने अपना घर बनने की खुशी में खीर बनाई है। आओ बाबा, सभी मिलकर खाएंगे। अरे वाह खीर, लाओ भाई जल्दी दो। पूरे परिवार ने एक साथ अपने गन्ने के छिक्कल का घर बनने की खुशी में खीर खाई और खीर खाते हुए नीमा बोली, बाबा एक खुशखबरी देनी थी। जानते हैं, हमारा ये घर देखने पास की फैक्ट्री के मालिक आए थे, उन्होंने हमें अपनी फैक्ट्री के लिए गन्नों के छिक्कल का फर्नीचर बनाने को दिया है। बहुत बढ़िया, मुझे भी ये कल सिखा देना, फिर जब कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी तो इस काम को मैं संभाल लूंगा। जरूर। दोनों बहनों ने फैक्ट्री के लिए फर्नीचर बनाना शुरू कर दिया। फिर क्या था, यही काम करते हुए उनके घर के हालात सुधर गए। कुछ दिनों बाद गोकुल ने अच्छे रिश्ते ढूंढ कर एक ही घर में अपनी बेटियों की शादी कर दी।
अब उनके हालात सुधर चुके थे। दोनों बेटियां भी अपने ससुराल में खुश थीं और माँ बाप भी अच्छी जिंदगी बिता रहे थे।